हेलो दोस्तों, नमस्ते, कैसे हो आप सब। मेरा नाम है मानव प्राय, आप देख रहे हो हिंदी टेक वीडियो। एंड इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं रेमी नोट 7 के लिए शाओमी ईयू के ऊपर बेस करके MIUI 12.0.3.0 अवेलेबल हो चुका है। सबसे पहले चलते हैं सेटिंग्स के अंदर एंड चलते हैं अबाउट फोन के अंदर। देखिए पा रहे हो अबाउट फोन के अंदर MIUI ड्रीम प्रोजेक्ट 12.0.3 स्टेबल बिल्ड है, अपने रेमी नोट 7 के लिए अवेलेबल हो गया है। ऑल स्पेक्स की अगर बात करो तो यहाँ पर जो एंड्रॉइड वर्जन देने को मिलता है एंड्रॉइड 10 है, जो बिल्ड है दोस्तों एंड्रॉइड 10 को बेस करके तैयार किया गया है। एंड यहाँ पर जो हमें सिक्योरिटी पैच अपडेट मिलता है वो भी यहाँ पर देख लीजिए। 5th June 2021 का सिक्योरिटी पैच अपडेट देखने को मिल गया है, जो कि सेकेंड लेटेस्ट सिक्योरिटी पैच अपडेट है, जो कर्नल यहाँ पर रेमी नोट 7 के अंदर यूज किया गया है। नेक्सस का ओल्ड वर्जन 9.1 कर्नल यूज किया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। 4.4 वर्जन हमें देखने को मिलता है कर्नल का। एंड ये जो बिल्ड है दोस्तों MIUI का, ये दोस्तों Xiaomi EU के ऊपर बेस करके तैयार किया गया है। तो आपको Xiaomi EU के अंदर जो फीचर्स हो वही सभी फीचर्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। बात कर ले दोस्तों क्या क्या फीचर कैट करके दिया गया है, क्या क्या चेंजेस किया गया है इस बिल्ड के अंदर। सबसे पहले दोस्तों इस रोम को फ्लैश करने के दौरान जो चीज आपको ध्यान में रखना होगा, आपको क्लीन फ्लैश करना होगा। अगर आप क्लीन फ्लैश नहीं करोगे इस रोम को तो ये जो रोम है आपके फोन के ऊपर बूट ही नहीं होगा। तो मेक श्योर करना पूरा क्लीन फ्लैश कर लीजिए, उसके बाद दोस्तों इस रोम को आप बूट कर पाओगे। एंड यहाँ पर दोस्तों जो रिकमेंडेड कर्नल रहेगा रिपोर्ट की तरफ से दोस्तों नेक्सस कर्नल का वर्जन 5 ओल्ड कैम है। अगर आपको ये कर्नल पसंद नहीं है ये वाला, तो आप नेक्सस का जो वर्जन 5 ओल्ड कैम है उसे यूज कीजिए, वो बढ़िया रहेगा। नाउ दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर जो MIUI डिम प्रोजेक्ट है इसके अंदर क्या क्या चेंजेस किया गया है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर जो इंडोनेशियन लैंग्वेज का सपोर्ट है उसे ऐड करके दिया गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो आप एशियन कलर देख पा रहे हो, ये जो कलर देख पाओगे ये सब चेंज कर पाओगे, जिसको चेंज करने के लिए आपको यहाँ पर जो सेटिंग्स है उसमें जाके आप चेंजेस कर सकते हो। सिंपली यहाँ पर एडिशनल ऑप्शन में आके यहाँ पर पहले जो डेवलपर ऑप्शन उसे अवेलेबल कर लेना होगा। तो सिंपली यहाँ पर माई डिवाइस में आके यहाँ पर जो डेवलपर ऑप्शन है हम एनेबल कर लेते हैं जल्दी से, तो हम जो अपना क्या कहते हैं डेवलपर ऑप्शन को एनेबल करते हैं। तो सिंपली यहाँ पर MIUI वर्जन के अंदर टैप कीजिए एंड डेवलपर ऑप्शन एनेबल हो गया। उसके बाद एनेबल होने के बाद चलते हैं दोस्तों डेवलपर ऑप्शन के अंदर एंड यहाँ पर जो कलर है उसे चेंज कर पाओगे। अभी फिलहाल हमने रेड करके रखा है एंड स्क्रॉल डाउन कीजिए, यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर से हम ग्रे कर देते हैं, देखते ग्रे होता है नहीं। एंड ये देखो ओके ग्रे तो नहीं हुआ भाई सब, यहाँ पर ब्लू हो गया। देखो ये तो चेंज हो गया, बट ये वाला चेंज करने के लिए आपको जो है अपना जो फोन है उसे रिबूट करना होगा। तो ये काफी बढ़िया है, यहाँ से आप दोस्तों अलग अलग कलर को डाल सकते हो। देखो ये वाला कलर डाल दिया एंड अभी देखो यहाँ पर देखिए आपको यहाँ पर ये वाला कलर देखने को मिल जाएगा। सो सरस भर के अंदर कलर को चेंज करने के लिए आपको सिंपली जो है आपका जो फोन है उसे रिबूट करना होगा। नेक्स्ट यहाँ पर हमें एंड्रॉयड 12 का जो इमोजी है वो देखने को मिल जाएगा, तो आपको मैं दिखाता हूँ। तो सिंपली मैसेज को ओपन करते हैं एंड यहाँ पर जो आपको कीबोर्ड जो है उसे ओपन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर कीबोर्ड के अंदर से जो इमोजी है उसमें चलते हैं एंड जैसे देख पा रहे हो यहाँ पर एंड्रॉयड 12 का जो इमोजी है उसे हमें प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाती है। यहाँ पर एंड्रॉयड 12 का जो इमोजी है हमें यहाँ पर प्री इंस्टॉल देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी बढ़िया बात है। एज ए दोस्तों हमें यहाँ पर नया जो MIUI 13 का बूट एनिमेशन है वो भी देखने को मिलता है। यहाँ पर जो पावर मेन्यू है कुछ इस सेट सबको देखने को मिलेगा, यहाँ सब साइलेंस एंड म्यूट कर सकते हो, मतलब म्यूट है तो अनम्यूट कर सकते हो एंड साइलेंस कर सकते हो। यहाँ पर आपको रिकवरी में जाने के लिए दोस्तों फास्ट बूट में जाने के लिए देखने को मिलता है, उसके बाद रीस्टार्ट करने के लिए। तो हम सिंपली यहाँ से रीस्टार्ट कर लेते हैं। जो नया वाला पावर मेन्यू है काफी तगड़ा लगा है मेरे को। तो यहाँ पर हमें MIUI 13 का जो नया ब्रांड न्यू पावर मेन्यू है देखने को मिल जाती है। एंड वीडियो में अगर आपको पसंद आ रहा है वीडियो, तो वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना, इंस्टाग्राम में जरूर से फॉलो कर लेना। एंड अगर आपको इस सॉन्ग को डाउनलोड करना है, इस सॉन्ग का जो लिंक है डाउनलोड लिंक है मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। ए वाला जो नया बूट एनिमेशन है इसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको, यहाँ पर MIUI 13 का जो नया वाला बूट एनिमेशन है MI लोगों के साथ वो इस रॉम के अंदर देखने को मिल जाएगा, जो कि काफी बढ़िया है। आपको कैसा लगा लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। बूट एनिमेशन के साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें जो साउंड है उसमें भी चेंजेस किया गया है। यहाँ पर हमें साउंड एक्स प्रो 3.0 का सपोर्ट देने को मिल गया है। इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आपको साउंड में आके नया वाला जो आपको साउंड सिस्टम है वो देखने को मिलेगा, मतलब यहाँ से दोस्तों आप बहुत अलग अलग जो साउंड इफेक्ट है उसे आप अप्लाई कर सकते हो।
यहाँ पर साउंड इफेक्ट के अंदर नहीं, एडिशनल सेटिंग्स के अंदर। ये देखो साउंड इफेक्ट के अंदर थोड़ा सा टाइम लगा, तो यहाँ पर जो बूट एनिमेशन है वो हटा दिया गया है, डिलीट साउंड का बंद कर पाओगे। एनीवे साउंड एक्स प्रो का मतलब है दोस्तों नया वाला जो नोटिफिकेशन का टोन है, रिंगटोन का टोन है, इसे ऐड करके दिया गया है। यहाँ से आप जो साउंड एंड वाइब्रेशन है यहाँ पर जाके आप यहाँ से चेंजेस कर सकते हो। उसके बाद जो वॉइस चेंजर है उसे भी डाल दिया गया है, आप गेम्स के दौरान जो वॉइस चेंजर है उसे भी आप यूज कर सकते हो, जो काफी बढ़िया है, जो कि आपको गेम ड्राइवर मोड के अंदर देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट स्टेप है दोस्तों यहाँ पर जो हमारा MIUI का स्क्रीन रिकॉर्डिंग है उसे हटा के बाइट फल जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है ये वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग देखने को मिलता है। सो ए वाला स्क्रीन रिकॉर्डिंग है हमें यहाँ पर ऐड करके दिया गया है, बाय डिफॉल्ट है, इसे यूज कर सकते हो, मैं भी यूज करता हूँ, काफी बढ़िया है। इसके साथ आप इंटरनल ऑडियो को भी रिकॉर्ड कर पाओगे एज वेल दोस्तों यहाँ पर जो MBPS है उसे दोस्तों यहाँ पर 60 MBPS तक कर सकते हो, एज वेल FPS को सिलेक्ट कर सकते हो, इवन जो इंटरनल ऑडियो उसको भी सपोर्ट यहाँ पर डाल दिया गया। तो ये वाला जो स्क्रीन रिकॉर्डिंग है काफी बढ़िया है, काफी शानदार है, इसे ट्राई करके देखना, मैं तो काफी दफा यूज करता हूँ। नेक्स्ट जो ऑप्शन हमें देखने को मिलता है दोस्तों सेटिंग्स के अंदर, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के अंदर देखने को मिलता है, यहाँ पर एडिशनल सेटिंग्स के अंदर से जो क्लियर स्पीकर है इसे ऐड करके दिया गया है। इसके अंदर आपको 30 सेकंड के लिए एक ऑडियो बजता है, अगर आपके स्पीकर को भी डस्ट है दोस्तों रिमूव हो जाएगा। ये काफी बढ़िया है, क्लियर स्पीकर को भी इस बिल्ड के अंदर ऐड करके दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया बात है। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर आपको मैंने ऑलरेडी जो नया वाला पावर मेनू स्टाइल है वो दिखा दिया है, काफी शानदार है। यहाँ पर आप दोस्तों सिंपली जो अपना क्या कहते हैं फ्लाइट मोड यहाँ से भी आप इनेबल कर सकते हो। तो पावर मेनू ये वाला जो पावर मेनू है मेरे को काफी पसंद आया है, एंड ये अपना वॉल्यूम पैनल देखने को मिलता है, वॉल्यूम UI देख लीजिए कुछ इस तरह सबको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप साइलेंस DND एंड बाकी जो ऑप्शन उसके साथ चेंजेस कर सकते हो। उसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर हमें नया वाला चार्जिंग एनिमेशन भी देखने को मिल जाती है, सो आप खुद से ट्राई करके देखना, चार्जिंग एनिमेशन भी हमें नया वाला देखने को मिल जाती है। नेक्स्ट स्टेप जो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है म्यूजिक के रिलेटेड, सो हमें यहाँ पर सोनी का जो म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन वो देखने को मिल जाती है, जो MIUI का म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन है उसे हटा के हमें वो देखने को मिल जाती है, जो काफी बढ़िया बात है। यहाँ से आप दोस्तों जो गाना बना है उसे सुन पाओगे, जो काफी सही है। तो ये जो म्यूजिक प्लेयर है डेफिनेटली ट्राई करके देखो, आपको काफी पसंद आने वाला है ये जो म्यूजिक प्लेयर एप्लीकेशन से फॉर श्योर। सो सोनी का म्यूजिक प्लेयर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, जो MIUI का म्यूजिक प्लेयर है उसे यहाँ से हटा दिया गया है। एंड जो सिक्योरिटी पैच अपडेट है दोस्तों जून का देखने को मिल जाती है। उसके साथ साथ दोस्तों देख लेते हैं जो बैंकिंग एप्लीकेशन होगा सेप्टीनेट, ऐसे इस तरह के एप्लीकेशन स्टॉक के अंदर काम करेगा नहीं, सिंपली यहाँ पर जो सेप्टीनेट है उसे ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर हमने हमारे पास रूट एक्सेस है, बट रूट के होने के बाद भी हमने जो मैजिक है उसे एनेबल कर नहीं रखा है, फिर भी दोस्तों ये पर पास हो गया है। इसका मतलब है दोस्तों अगर आपके पास रूट एक्सेस है, अपने मैजिक के अंदर से जो मैजिक हाइट है उसे एनेबल नहीं किया है, फिर भी दोस्तों आपका जो बैंकिंग एप्लीकेशन है काम करेगा। सो आपका जो सेफ्टीनेट है बाय डिफॉल्ट काम करता है, उधर रूट भी काम करेगा, जो काफी बढ़िया बात है। एंड यहाँ पर देख सकते हो सो गूगल पे फोन पे सर के एप्लीकेशन इस स्टॉक के अंदर काफी बढ़िया काम कर जाएगी। एंड इस स्टॉक के अंदर आपको काफी बढ़िया बढ़िया वॉलपेपर भी देखने को मिल जाती है, उसे भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। एज वेल जो आपका सुपर वॉलपेपर है उसे रिमूव करके दिया गया इस बिल के अंदर, क्योंकि रेडमी नोट 7 के लिए काफी हेवी हो जाता है, उसके बाद लैग करना स्टार्ट कर देता है। एंड यहाँ पर कुछ Xiaomi UK जो बीटा है उसके अंदर जो लेटेस्ट वर्षे आया है उसके अंदर जो अपडेट है एप्लीकेशन का, वही सभी अपडेट को इस एप्लीकेशन मतलब इस रॉम के अंदर डाल दिया गया है एप्लीकेशन के अंदर, जो कि काफी बढ़िया बात है। एंड बहुत सारी MIUI का एप्लीकेशन है जो कि यहाँ से हटा दिया गया है, जो कि काफी बढ़िया मेरे को यहाँ पर मिल गया है। MIUI का म्यूजिक प्लेयर नहीं है, स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं है, और भी बहुत सी एप्लीकेशन है MIUI का जिसे हटा दिया गया है। एंड यहाँ पर और एक छोटी छोटी चेंजेस किया गया है, इसके यहाँ पर जो टच ट्विक है, यहाँ पर जो टच है और भी स्मूथ हो गया, आपको बहुत ही बढ़िया टच रिस्पॉन्स देखने को मिलेगा, टच के अंदर कोई भी इशू नहीं है। परफॉर्मेंस भी यहाँ पर काफी बढ़िया देखने को मिलता है इस रॉम के अंदर, एंड गेमिंग के दौरान भी जो रॉम है यहाँ पर थोड़ा बहुत बूस्टेड का ऑप्शन देने को मिल जाती है। UI जो है काफी स्मूथ देखने को मिलता है, UI के अंदर कोई भी इशू वाली बात नहीं है, काफी बढ़िया हमें ओवरऑल जो UI है देखने को यहाँ पर मिल गया है। नाउ दोस्तों अगर बात करूँ Geekbench की, कितना स्कोर हमें देने को मिला है Geekbench के अंदर, सो Geekbench 5 के अंदर जो स्कोर हमें यहाँ पर देखने को मिला है 339 है, आया है सिंगल कोर के अंदर, मल्टी कोर के अंदर 1480 देखने को मिल गया है। एंड अब यहाँ पर कर्नल देख सकते हो, नेक्सस का 11 कर्नल है, हमने कर्नल को चेंज नहीं किया है। एवरेज एंड मल्टी कोर के अंदर जो परफॉर्मेंस है काफी बढ़िया है, काफी शानदार देखने को मिल गया है। सो परफॉर्मेंस के अंदर कोई भी कमी आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि काफी बढ़िया बात है, परफॉर्मेंस एक नंबर भाई सब देखने को यहाँ पर मिल गया है। नेक्स्ट अगर बात करूँ यहाँ पर कैमरा ट्यूपे की, कैमरा ट्यूपे के अंदर लेवल 3 का सपोर्ट है, तो गूगल कैमरा और GCam बढ़िया काम करेगा, नो इश्यू एट ऑल। 3D Mark का जो टेस्ट है उसे भी हमने रन कर लिया था, देख लेते 3D Mark के अंदर कितना इसको देखने को मिला है, 377 हमें देखने को मिल गया है 3D Mark के अंदर, एंड 2.30 का जो FPS है देखने को मिल गया है, जो काफी बढ़िया है। 3D Mark का जो स्कोर है काफी सही हमें देखने को मिल गया है, सो ये काफी बढ़िया लगा है।
नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पर बात कर लेते हैं सीपू थ्रेडिंग टेस्ट के बारे में। सीपू थ्रेडिंग जो टेस्ट है जल्दी से कर लेते हैं। तो लगभग 5 मिनट के लिए जो टेस्ट हमने रन किया है सीपू थ्रेडिंग का, देखिए पा रहे हो मैक्स गया है 152, मिनिमम है दोस्तों 128, एवरेज है 142 एंड यहाँ पर मैक्स सीपू है 2.20 GHz। सो यहाँ पर जो मैक्स एंड मिनिमम है वो काफी सही है, आपको परफॉर्मेंस जो है नेक्सस कर्नल के साथ एंड ये जो रॉम है रॉम के साथ ड्रीम प्रोजेक्ट के साथ काफी बढ़िया देखने को मिल जाएगा। ओवरऑल दोस्तों ये जो रॉम है काफी इंटरेस्टिंग फीचर के साथ देखने को मिलता है, डेफिनेटली इस रॉम को ट्राई करके देखना चाहिए। इस रॉम का जो डाउनलोडिंग है आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा एंड क्लीन फ्लैश करना है, फॉर्मेट करके फ्लैश करना इस रॉम को एंड टीआरओ रिकॉर्डिंग ऑडियो रिकॉर्डिंग से फ्लैश कर सकते हो अपने रेडमी नोट 7 के अंदर। होपफुली ये वीडियो पसंद होगा, वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला आइकन को दबा के ऑल सेट कर देना, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा। Thank you very much for watching this video. Have a nice day. Bye bye.